पहले स्टाफ भी नहीं बैठा था और अब 4-5 साल से पूरा स्टाफ भरा है डॉक्टरों का। हॉस्पिटल है वो भी काफी लंबा चौड़ा बना दिया है, यानी कि काफी डेवलपमेंट हुआ है। इस वजह से आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? बोरिंग भी लग रही है, पानी की बोरिंग भी लग रही है। अब धरती में पानी नहीं है तो दीपचंद खेरिया जी क्या करें। बाकी रोड से लेके बिजली से ले, बिजली 24 घंटों आ रही है और छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं दीपचंद खेरिया जी 24 घंटों तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। सर हम तो कांग्रेस को ही देंगे, कारण बताइए आप। तो कांग्रेस के राज में 500 रुपए का सिलेंडर था जी, 1000 रुपए का हो गया है, सब चीज महंगाई में। और गहलोत जी ने 5 किलो तो अनाज फ्री कर दिया था, वो भी बंद बीजेपी ने कर दिया है। अब कितना मिल रहा है? 5 किलो पहले 10 किलो मिलता था। अच्छा, अब प्रति कमी लेट तो कांग्रेस के साथ। तो अगर हम बात करें आपके इस गांव की, तो हम पीछे भी एक सर्वे करके आए हैं, उसमें भी ये जाना है कि भाई पानी की यहाँ पर बहुत मोटी, क्या आपने कभी आवाज उठाई है पानी के प्रति? सर हम तो आवाज उठाते रहते हैं लेकिन अब क्या करें, इसमें आवाज उठाते रहते हैं लेकिन क्या करें, किसके सामने आवाज उठाई आपने कभी? कोई यहाँ पर आते हैं SDM के पास गए हो कभी, कलेक्टर के पास? नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज हमारी टीम आ पहुंची है अलवर लोकसभा क्षेत्र इस्माइलपुर के अंदर और तमाम जानकारियों से मैं आपको अवगत कराऊंगा कि यहां पर वर्तमान में क्या पोजीशन बनी हुई है, किसको जनता चाहती है सपोर्ट करना, किसको देती है वोट, तमाम जानकारियों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। मैं इस विलेज के अंदर आया हुआ हूं, यहां पर क्या क्या समस्याएं हैं तमाम जानकारी मिलने वाली है। मेरे साथ में यहां पर ग्रामीण भाई बंधु काफी मौजूद है, उनसे चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है, अब की बार जनता का क्या कहता है मन, अब की बार किसको करते हैं सपोर्ट। बाबा साहब नमस्कार, क्या नाम है अपना? मोहन लाल जी, आपका क्या नाम है? आप ही आ जाइए थोड़े से आगे जी, बैठो। मोहन लाल जी हैं आप, क्या कुछ माहौल चल रहा है लोकसभा का? बढ़िया। कैसे? पानी की व्यवस्था ना है। अच्छा जी, और लेकिन हम बात करें पार्टी की, किस पार्टी को वोट दोगे? बसपा। बसपा से कौन खड़े हुए हैं? अजल हुसैन। कांग्रेस के खड़े थे? अजल हुसैन। कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। कभी आप बसपा कह रहे हो, कभी कांग्रेस कह रहे हो, अपना भी नाम जानना चाहिए, क्या नाम है? जितेंद्र जी नाम है। जितेंद्र जी, क्या कुछ माहौल चल रहा है आपके इस विलेज के अंदर? कांग्रेस चल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, महंगाई तो कितनी हो रही है? अच्छा, सब परेशान महंगाई से। महंगाई कितनी हो रही, किस चीज में महंगाई लगती है आपको? चीज़ महंगाई हो रही, किस में नहीं हो रही बताइए तो सही। पहले कांग्रेस में 14 रुपए किलो चीनी मिल रही है, 45 मिल रही है। आप एक बार इधर आइए, इधर आके बोलिए कैमरे के सामने। ओ भाई, अभी कुछ मुकेश कुमार जी कैसे हो और कैसा कारोबार चल रहा है आपका? काम धंधा तो महंगाई है, ग्राहक आता है तो वही कम रेट लगाता है, बस कोई कहता है कि पैसे ही नहीं है, अरे काम धंधा नहीं है, सब अब हमको जगह जगह थोड़ी जाकर देखते हैं कि भाई काम धंधा है या नहीं है, पर हम तो अपने हिसाब से लगाते हैं। ग्राहक आते ही कम, पहले 800-900 रुपए की जूती बिक जाती थी, वही 500-600 रुपए, उससे ज्यादा कोई सारे। लेकिन हम बात करें भाई साहब, यहाँ पर लोकसभा चुनाव नजदीक है, आगामी 19 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल कहता है आपके इस विलेज का? माहौल तो कांग्रेस की तरफ रुख है सभी बिरादरी में। ऐसा कारण? कारण तो यही है क्योंकि हमारे यहाँ जो MLA साहब है दीपचंद खेरिया जी, वाकई में एक नंबर के आदमी हैं, बढ़िया जो भी काम करवा रहे हैं, एक नंबर काम करवा रहे हैं, और ये तो चलता ही रहता है। बाकी हमें तो दीपचंद खेरिया और कांग्रेस को, दीपचंद खेरिया की हम बात करें तो दीपचंद खेरिया की कौन सी अच्छाई आपको अच्छी लगती है जिससे आप कांग्रेस से प्रेरित हैं? दीपचंद खेरिया की लगा लो, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, पहले स्टाफ भी नहीं बैठा था और अब 4-5 साल से पूरा स्टाफ भरा है डॉक्टरों का। हॉस्पिटल है वो भी काफी लंबा चौड़ा बना दिया है,
यानी कि काफी डेवलपमेंट हुआ है, इस वजह से आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। बोरिंग भी लग रही है, पानी की बोरिंग भी लग रही है, अब धरती में पानी नहीं है तो दीपचंद खेरिया जी क्या करें। बाकी रोड से लेके बिजली से ले, बिजली 24 घंटे आ रही है, और छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं दीपचंद खेरिया जी 24 घंटों तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। मेरे साथ में यहाँ पर ग्रामीण भाई और भी मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम जानकारियों से मैं आपको अपडेट कराऊंगा कि यहाँ पर वाकई में ही क्या माहौल चल रहा है अब की बार लोकसभा चुनाव का। आपका भी नाम जानेंगे। जयप्रकाश जी, क्या कुछ कहता है आपका माहौल यहाँ का? सर हम तो कांग्रेस को ही देंगे। कारण बताइए आप तो। कांग्रेस के राज में 500 रुपए का सिलेंडर था जी, अब 1000 रुपए का हो गया है, सब चीज महंगाई में। और गहलोत जी ने 5 किलो तो अनाज फ्री कर दिया था, वो भी बंद बीजेपी ने कर दिया है। अब कितना मिल रहा है? 5 किलो पहले 10 किलो मिलता था। अच्छा, अब प्रति कैंडिडेट तो कांग्रेस के साथ। तो क्या अगर हम बात करें आपके इस गाँव की, तो हम पीछे भी एक सर्वे करके आए हैं, उसमें भी ये जाना है कि भाई पानी की यहाँ पर बहुत मोटी समस्या है। समस्या है ही सर, 30 दिन पानी आता है, 5 मिनट चलाने में चला जाता है, 15 मिनट आता है, 15 मिनट 2-4 मिनट के पानी। तो क्या आपने कभी विधायक जी से इस बात का प्रस्ताव रखा है? विधायक जी कहिए, पर वो भी क्या करे सर, धरती में पानी नहीं है तो क्या करे? पानी नहीं है क्या करे? पानी आता है, थोड़ी घड़ी आता है, कर्मचारी लापरवाही कर जाता है। अच्छा, कर्मचारी भी लापरवाही कर जाते हैं। बाबा साहब नमस्कार, क्या नाम है अपना? कैमरे के सामने बोलने से तबीयत तो खराब नहीं है। देखिएगा, मैं इस विलेज के अंदर आया हुआ था, तमाम गणमान्य भाई बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया थोड़े से आगे आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। तो यार थोड़े से आगे आ जाइए, नौजवान हो आप तो। तो इस गांव में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? क्या आपने कभी आवाज उठाई है पानी के प्रति? सर हम तो आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन अब क्या करें इसमें? आवाज उठाते रहते हैं लेकिन क्या करें? किसके सामने आवाज उठाई आपने कभी? कोई यहाँ पर आते हैं, SDM के पास गए हो कभी? कलेक्टर के पास? लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आप किसको सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस को करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आया हुआ था इस्माइलपुर विलेज के अंदर, और यहाँ पर तमाम गणमान्य भाई बंधु बैठे हुए थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनका मुख्य व्यवसाय जूती बनाने का है। इनके पास रुका, मैंने इनसे बातें की, इस गाँव का अब की बार क्या कहता है पब्लिक का मन, अब की बार किसको देते हैं ये सपोर्ट, किसकी बनाते हैं सरकार, तमाम जानकारियों से मैंने आपको अवगत करा दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।